हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। गुड इवनिंग टू एवरीवन। और गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है, हम लोग जो टोटल 500 क्वेश्चन का सीरीज देख रहे थे, उसका लास्ट सेशन होगा। और इसमें गाइस, हम लोग बात करें तो 500 क्वेश्चन हमारे फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद गाइस, कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हो जाएंगे जो मैं आपके सामने कवर कराऊंगा, जैसे कि अवार्ड एंड ऑनर की बात करूँ, ठीक है। उसके अलावा गाइस, जो स्टैटिक जीके होता है, जो फेयर एंड फेस्टिवल, इन सबके बारे में अगर मैं गाइस बात करूँ, तो ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो ये सब कुछ हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस, एक बार कॉमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं, और उसके बाद गाइस मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन गाइस। आशुतोष, सुचि, लोकेश, अनिकेत, अंकित, शिवानी, देन अगेन शिवानी, लोकेश, अंकित, वीना, बिल्कुल। चलो गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं। लुसिफर, ओके गाइस। तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते गाइस, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अनुराग है और मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटजी के सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। और गाइस, जो बच्चे भी अगर मैं बात करूँ गाइस, एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे वही हैं, तो गाइस वो प्लस ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग माई कोड, दैट इज NG11। ये आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। ओके गाइस, गुड इवनिंग राकेश, आशीष, राजन, अमितेश, अंकित, सुरभि, राजकुमार, अंकित, आसिफ, श्रीतेजा, गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस, आपको मैं बता देता हूँ कि आप जब प्लस ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग सेशन, ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, दोनों ही लैंग्वेजेस में क्लासेस, ये सब कुछ आपको गाइस यहाँ पे अवेलेबल होगा। ये गाइस हमारी टीम है SSC JEE की, तो ये सारे बच्चों को ध्यान में रखनी है। अब गाइस, अगर मैं बात करूँ तो देखो, आपको क्या करना है गाइस, गोल में जाकर के SSC एग्जाम सबमिट करना है, देन आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन में। उसके बाद गाइस देखिएगा, यहाँ पे 1 ईयर की फी है 6000। जैसे ही आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे, ये आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट देगा और फी हो जाएगी 5400 रुपीज। तो गाइस, ये कुछ पेमेंट के मेथड है जो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और गाइस, ये अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, या फिर आप गाइस वहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे Anurag08, ये प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी। इसको गाइस फॉलो कर लेंगे तो मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। गाइस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यस और नो। इसमें आप डायरेक्टली सर्च मार लीजिएगा @GSTerminal, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। इसमें लेक्चर्स की अपडेट और PDF दोनों ही अवेलेबल है। अब गाइस, मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ओके गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो शाबाश, सुमित, लोकेश, प्रियंका, राजन, चलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस, है ना। अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं गाइस अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन पे। गंधार स्टाइल ऑफ स्कल्पचर ड्यूरिंग द कुशान पीरियड इंडो ग्रीक स्टाइल इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ये किसका कॉम्बिनेशन था गाइस, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहाँ पे बताना है। यस और नो? हाँ जी, तो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस, फटाफट से मुझे आंसर दे देंगे। ओके विनोद, राकेश, राजन, ओके इंडो ग्रीक इज द राइट आंसर, फटाफट करेंगे गाइस। इंडो ग्रीक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गाइस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडो ग्रीक जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देन गाइस फर्दर मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बृहदेश्वरा जो टेम्पल है, यस और नो, ये चोल डायनेस्टी ने बनवाया है, ठीक है ना। बृहदेश्वरा जो टेम्पल है ये कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया, चोल डायनेस्टी ने बनवाया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर है, तंजावर में, रणथंबोर में, जयपुर में, या फिर हैदराबाद में, बिल्कुल। तो गाइस क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजावुर, यस और नो। और किसने बनाया था, किसने बनाया था, आज रात पे 7:30 पे मैं आप लोग को गाइस एक निकनेम वाला सेशन करा दूंगा, वो भी देख लेना, है ना। राजा राजा वन ने इसको करवाया था, तो ध्यान में रखना है गाइस, है ना। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा फास्ट ही चलते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस मूव करते हैं। हु इज कंसिडर्ड फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर का फाउंडर कौन कहलाता है, गुप्ता एम्पायर का फाउंडर कौन कहलाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। श्री गुप्ता, चंद्रगुप्ता, बिंदुसार, या फिर अशोका, बिल्कुल राजा राजा चोल या फिर राजा राजा वर्ण ने बनाया था बृहदेश्वरा टेम्पल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे बच्चे, फटाफट से मुझे आंसर दें। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्रीगुप्त, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा श्रीगुप्त, यस और नो। हाँ जी, देन गाइस अगर मैं बात करूं पंच सिद्धांतम ऑफ वराहमिहिर डील्स विद, यस और नो गाइस, जो पंच सिद्धांत है वराहमिहिर का वो किससे डील करता है, ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप बताएं ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और मैं आपको बता चुका हूँ ये गुप्ता डायनेस्टी के समय के हैं, यस और नो। और याद रखना कि उस समय साइंस हुआ, आर्ट हुआ, लिटरेचर हुआ, सभी एरिया में बहुत ज्यादा तरक्की की थी, तो आंसर आप सभी बच्चों का करेक्ट आ चुका है एस्ट्रोनॉमी, है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस एस्ट्रोनॉमी, ये यहाँ पे रॉन्ग होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोनॉमी इज द राइट आंसर, यस और नो, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी इज द राइट आंसर, यस और नो, ये हम सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस हम लोग मूव करते हैं। अ ग्रीक एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन हु इन्वेंटेड जीरो ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता काल में एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था वो कौन थे,
वो कौन थे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप बच्चों को देना है यहाँ पे, है ना। और आप जानते हो ये कोई और नहीं, ये है आर्यभट्ट। और एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आर्यभट्ट ने अपनी जो है हायर एजुकेशन कहाँ से की थी, तो याद रखना ये इन्होंने की थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है, आईबी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस मैं मूव कर लेता हूँ। हु स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एज वेल एज नालंदा महाविहार। नालंदा विश्वविद्यालय और नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू किया था, यस और नो बताएं, किसने बनवाया था। बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को मुझे देना है ना। और आप जानते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए ह्यून सैंग नाम का एक बंदा भी आया था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, है ना, 1629-1630 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सब बच्चे दे ही रहे, कुमार गुप्त इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस हम लोग मूव करते हैं। हर्षचरित्र जो बुक है वो किसने लिखी। आज गाइस 7:30 पे मैं आपको फेमस लोगों के निकनेम पढ़ाऊंगा, है ना, और कल हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट बुक्स या फिर इन्वेंशन, दोनों में से कुछ एक कल मैं मॉर्निंग में कराऊंगा, तो सारे बच्चे ध्यान में देंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने इसके अलावा एक और भी प्ले लिखा था जिसका नाम क्या है, कादंबरी। यस सर, दोनों ही याद रखना है, कादंबरी भी आपको ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ना, कादंबरी भी आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, यस सर नो, खजुराहो की जो स्मारकों का जो प्रसिद्ध समूह है वो किसने बनवा रखा है। खजुराहो के जो स्मारकों का जो समूह है गाइस वो किसने बनवा रखा है, एक सेकेंड गाइस, जो बच्चे यहाँ पे अश्वघोष बोल रहे हैं उनको बता दूं ये हर्ष चरित्र है, बुद्ध चरित्र नहीं है। अगर वहां पे बुद्ध चरित्र होता तो अश्वघोष आंसर होता, ठीक है। राजन अश्वघोष ने क्या लिखी थी, बुद्ध चरित्र, और हर्ष और बाणभट्ट ने क्या लिखी थी, हर्ष चरित्र। हाँ, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेल, करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस मूव कर लेते हैं। द कोर्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की गाइस दरबार की भाषा क्या थी, दिल्ली सल्तनत के दरबार की भाषा क्या थी, है ना, दिल्ली सल्तनत के दरबार की भाषा क्या थी बताएंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के दरबार की भाषा क्या थी, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्शियन, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पर्शियन, ठीक है। Which country does not share the border with India? इनमें से कौन सा देश है गाइस जो इंडिया के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कौन सी कंट्री गाइस जो इंडिया के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता, और याद रखना यहां पर बात हो रही है किसकी, लैंड बॉर्डर की, यहां पर बात हो रही है किसकी, लैंड बॉर्डर की। यस सर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया से बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, यस और नो, ऐसे देशों के साथ में। और जो बच्चे बोल रहे हैं ना श्रीलंका एंड मालदीव, तो बेटा इन दोनों के साथ में हमारा कैसा बॉर्डर है, इन दोनों के साथ में हमारा वाटर बॉर्डर है, इन दोनों के साथ में हमारा वाटर बॉर्डर है। नेक्स्ट, कोलेरू लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कोलेरू जो लेक है गाइस वो कौन से स्टेट में है आपको बताना है, और अभी मैं आपको बता दूंगा गाइस कि ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना, फटाफट आंसर दें बिल्कुल। और आपको याद ही होना चाहिए गाइस जो मालदीव से वो कितने डिग्री चैनल से सेपरेटेड है इंडिया से, 8 डिग्री चैनल से, है ना। और श्रीलंका और इंडिया के बीच में क्या बहता है, पाक स्ट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और आपको एक और बात याद रखना कि आंध्र प्रदेश में एक और फेमस लेक है जिसका नाम क्या है, पुलिकट लेक, है ना, एक और फेमस लेक है जिसका नाम क्या है, पुलिकट लेक, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट बैक वाटर लगून लेक इन इंडिया, यस और नो, जो कि उड़ीसा में, उसका नाम क्या है, बिल्कुल जो कि उड़ीसा में है उसका नाम क्या है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, और आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना है मुझे। तो करेक्ट आंसर आ रहा है चिल्का लेक, करेक्ट आंसर आ रहा है चिल्का लेक, चिल्का लेक उड़ीसा में है। डल लेक कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर, यस और नो। ये यहाँ पे गाइस मैं बात करूं, ये वुलर लेक है, ये वुलर लेक है, ये भी कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। और ये फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट लेक है इंडिया की, ये फ्रेश वाटर की मीठे पानी की लार्जेस्ट लेक है। पुलिकट लेक थोड़ी देर पहले बताया था, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, द रिवर नर्मदा राइजेस इन मध्य प्रदेश फ्रॉम, जो नर्मदा नदी है गाइस वो कहां से निकलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, सतपुड़ा, विंध्याचल, अमरकंटक या फिर हिमालय। हाँ जी,
आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर में सूरज शाह, बट अगर एक ऑप्शन मिला तो आपको क्या लगाना है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर फोर में से एक ऑप्शन चूज करना है तो आंध्र लगाना है पुलिकट में। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक हिल्स। और अमरकंटक हिल्स में याद रखना, जो अमरकंटक है इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अमरकंटक को हम लोग तीर्थराज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अमरकंटक को हम लोग तीर्थराज के नाम से जानते हैं। और यहीं से एक और नदी निकलती है गाइस, जिस नदी का नाम है सोन। और ये सोन नदी जो है ये किसमें जाकर के मिल जाती है? नर्मदा में। एक क्वेश्चन आता है, सॉरी नर्मदा में बोल रहा हूँ, यहाँ पे नर्मदा नहीं, गंगा में, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी पेनिनसुलर रिवर है, और ये एक ही पेनिनसुलर रिवर है जो गंगा में जाकर के मिलती है, उस रिवर का नाम क्या है? सोन रिवर है, ठीक है ना। सोन रिवर है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल, विच इज बिगेस्ट जूट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया? भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? और गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं आपको जो फेयर फेस्टिवल ये जो होते हैं ना, ये भी मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। यूट्यूब में ही करा दूंगा ऐसे ही सेशन में स्पीड से। यस सर नो, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है ना। ये सारी बातें मैं आपको करा दूंगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस, तो ध्यान रखेंगे, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। ये हम सभी बच्चों को ध्यान में रखना है, और यार जितना हो सके यार सेशन को अच्छे से पढ़ना है आप लोग को, ठीक है ना। और कोशिश करो यार कि ज्यादा ज्यादा रिवाइज करो, ज्यादा कुछ नया मत पढ़ना। आपका जो टेक्निकल है जितना पढ़ा उसको रिवाइज करते रहो। और यहाँ पर मैं आपको करेंट का स्पोर्ट्स के कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, उनको पढ़ते रहो, है ना, वो क्वेश्चन आएंगे। और मैं इकोलॉजी के भी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कुछ प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कंप्यूटर तो फिर भी आप कर लोगे बीइंग अ टेक्निकल स्टूडेंट, बट अगर मैं बात करूं इको की तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा। और याद रखना इकोलॉजी का वेटेज है, ठीक है, कोशिश करेंगे हम। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है गाइस वो किससे रिलेटेड है? ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, ये आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर वेस्ट बंगाल था ना, हाँ। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है गाइस वो किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताएं। तो करेक्ट आंसर आ रहा है क्या अभी? नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस इसका, बताएं, बिल्कुल देना है आप लोगों को। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो अब करेक्ट आंसर आ रहा है फिश के प्रोडक्शन से, बिल्कुल करेक्ट बात आ गई है, फिश के प्रोडक्शन से है, बिल्कुल वेरी गुड गाइस, है ना। तो याद रखना है फिश के प्रोडक्शन से है आपका, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस हम लोग बात करें, आपका ब्योपा, निशी और मिनी, ये जो ट्राइब है, यस और नो, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? और याद रखना है गाइस कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी लोगों को बताना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विद लोवेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन, है ना। आपने बताना है कि स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन है जिसमें सबसे कम डिस्ट्रिक्ट भी है और स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन भी उस स्टेट की है, आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 तो ठीक है, करेक्ट आंसर था आप लोगों का, सभी बच्चों का। हाँ, इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग दे रहे हैं गोवा। करेक्ट आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं? गोवा, वेरी गुड। और गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है गाइस जिसमें क्या है बताओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उत्तर प्रदेश शेयर बाउंड्री विथ 9 स्टेट, एक्चुअली क्या है पता है क्या, 8 स्टेट है गाइस और एक यूनियन टेरिटरी है, 1 स्टेट प्लस दिल्ली है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है तो 9 स्टेट लिख देता है, तो आपसे पूछा जा रहा है गाइस कि जो विच इज नॉट वन ऑफ देम, उत्तर प्रदेश जो है गाइस वो लार्जेस्ट नंबर जो आपकी बात करें स्टेट के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, पर कौन से स्टेट के साथ में नहीं करता, तो आप लोग आराम से आंसर दे सकते हो गोवा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, विच प्लैनेट हैज इट्स ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू सन, है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, है ना। साइज की बात करें गाइस तो आपको मैंने साइज वगैरह सब कुछ बता रखा है, इनका कीपर बेल्ट क्या होता है ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, बिल्कुल। हाँ जी, व्हाट इज द राइट आंसर गाइस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी, और ये रॉन्ग है, ठीक है ना। यहाँ पर गाइस हमको क्या लिखना है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, मरकरी, ठीक है। और मरकरी जो है ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है, यस और नो। और लार्जेस्ट आप जानते हो कौन सा है, जुपिटर है, ठीक है। अर्थ क्या हाइट के, सॉरी साइज के हिसाब से कौन सा पोजिशन है, फिफ्थ है। अर्थ का नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा वीनस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ सेम हाइट एट इक्वल इंटरवल आर, सेम हाइट एट इक्वल इंटरवल आर, क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर?
बताया सिविल वाले बच्चों के लिए तो काफी आसान है, यस और नो। इमेजिनरी लाइन गाइस जो ज्वाइन करती प्लेसेस ऑफ इक्वल हाइट को है ना और इक्वल इंटरवल में, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर आ रहा है डेंसिटी वाइज बता दें कुशल, अगर मैं बात करूं जो सबसे ज्यादा डेंसिटी है वो कौन सा स्टेट है, वो है आपका बिहार। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर आप बात करें तो वो है बिहार, है ना, 1102 है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कंटूर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंटूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, बताएं। इक्वेटर, अर्थ ग्रिड, पोल्स, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर आप बच्चों को बताना है, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर आप बच्चों को बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वेटर। और आप जानते हो यार, यहाँ पे अगर बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वेटर। और इक्वेटर के बारे में याद रखना कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। रेड प्लैनेट किसे कहते हैं गाइस? मार्स, अर्थ, सैटर्न या फिर जुपिटर। रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? मार्स, अर्थ, सैटर्न या फिर जुपिटर, बताए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्स, क्योंकि यहाँ पे गाइस आप जानते हो है ना, रेड ऑक्साइड यहाँ पे देखने को मिलती है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, जुपिटर जो हो जाएगा ये लार्जेस्ट प्लैनेट हो जाएगा, ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। और अगर हम लोग गाइस बात करें तो आपके ना, मैंने देखा है सोलर जो सिस्टम है ना उससे जेई में क्वेश्चन आते हैं। सोलर सिस्टम जो मैंने कराया है ना ज्योग्राफी में, उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल पे मैंने करा रखा है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, वो एग्जाम में आएगा। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ, बताएं। अगर मैं बात करूं गाइस पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड, यस और नो। और इंटीग्रल पार्ट किसका है ये आपसे पूछा जा रहा है, ये इंटीग्रल पार्ट किसका है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आप सारे बच्चे दे रहे हो, वेरी गुड, डेनमार्क। बस गाइस आप याद रखना कि ये फिजिकली ये किस में आता है, नॉर्थ अमेरिका में आता है। नेक्स्ट, यस और नो। अब अगर गाइस मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, विच इज द आउटर लेयर ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव दैट इज मेड ऑफ प्लेट्स विच फिट टुगेदर लाइक अ जिगजॉग पजल, गाइस वो लेयर कौन सी है जिसपे हम लोग रहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यस और नो। जिस पर हम लोग रहते हैं कौन सी लेयर होगी बताओ, मैंने आपको बता रखा है। हाँ जी, शिवानी, वीना, सुरभि, राकेश, प्रियंका, विनोद, लोकेश, नितिन, श्रीतेजा, यस और नो, दीपक, लुसिफर, सुचि, आसिफ, अनिकेत, नरेश, ओके वेरी गुड गाइस। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या होता है? अपर मेंटल एंड क्रस्ट है ना, ये दोनों मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं, लिथोस्फीयर। विच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट हम लोग किसे कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एल्यूमिनियम, यस और नो। हम लोग जानते हैं सर, ओवरऑल पूछ ले तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या मिलता है, सिलिकॉन, उसके बाद नंबर किसका मिल लगता है बताओ, एल्यूमिनियम का है ना, तो ये हमको ध्यान रखना है, पर मेटल पूछ लिया था एल्यूमिनियम। सैंडस्टोन एंड डोलोमाइट इज विच टाइप ऑफ रॉक, सैंडस्टोन एंड डोलोमाइट इज विच टाइप ऑफ रॉक, सॉरी गाइस, सर के पीछे दो सन है। हाँ, तो सेडिमेंटरी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेडिमेंटरी रॉक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट द रिजल्ट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल की क्रिया का परिणाम नहीं है, बताएं। ये मैंने गाइस एक दिन आप लोग को एक्सप्लेन किया था, ये मैंने आप लोग को एक दिन एक्सप्लेन किया था, यस और नो। ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉड्स, यस और नो। हाँ जी, ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है, वैली के बीच में क्रिएट होएगा। चलो,
आगे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ डीप वैली विथ वेरी स्टीप ऑफ स्ट्रेट साइड्स। बताओ ये ब्रह्मपुत्र रिवर भी बनाती है, जब कहां से आती है बताओ, जब ये आपके तिब्बत से होते हुए आती है, जब तिब्बत से होते हुए आती है तब। जलपान कीजिए, बिल्कुल वेरी गुड गाइस, ग्रेट गोइंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉर्ज, करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉर्ज, ठीक है ना, सो सॉरी यार, है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वेज कैनल जो है वो किसको किसको कनेक्ट करती है, स्वेज कैनल जो है वो किसको किसको कनेक्ट करती है, स्वेज कैनल किसको कनेक्ट करती है, तो आप आंसर बताएं, मेडिटेरेनियन एंड अरेबियन सी को, मेडिटेरेनियन एंड रेड सी को, मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी को, मेडिटेरेनियन एंड पर्शियन गल्फ को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेडिटेरेनियन एंड रेड सी को कनेक्ट करती है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और फिर से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर देयर इज कॉन्स्टेंट है ना इंटरमिंगलिंग ऑफ द सॉल्ट वाटर, यस और नो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, अ प्लेस वेयर देयर इज अ कॉन्स्टेंट इंटरमिंगलिंग ऑफ सॉल्ट वाटर। इसके अलावा गाइस ये क्वेश्चन जो है ये अधूरा सा लग रहा है ना, इसमें और क्या आएगा बताओ, और क्या आना चाहिए, एंड फ्रेश वाटर ऑफ अ रिवर। अब ये क्वेश्चन जो होगा ये कंप्लीट सा लग रहा है, अब ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट सा लग रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अभी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एस्चुरी, है ना, जब गाइस सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर जहां पे मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एस्चुरी, एस्चुरी है ना, और जो एस्चुरी होती है गाइस वो डीप होती है, ये आप जानते हो, ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्चुरी। सारे बच्चे ध्यान रखो, एस्चुरी होगा इसका करेक्ट आंसर, डेल्टा नहीं हो सकता। जब नर्मदा नदी जो है वो अरेबियन सी में जाके गिरती है तो सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर क्या होता है, वो मिक्स होता है, और इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है एस्चुरी, इसमें क्या बनता है, एस्चुरी, एस्चुरी बनता है गाइस, बिल्कुल नर्मदा एग्जाम्पल है, सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर मिक्स होता है वहां पे। व्हेन द अर्थ इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, गाइस ये क्वेश्चन हम कई बार पढ़ चुके हैं और मुझे लगता है कि सबको याद हो जाना चाहिए, यस और नो, बिल्कुल नर्मदा ताप्ती, बिल्कुल वेस्ट फ्लोइंग, अच्छा वेस्ट फ्लोइंग जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है बताओ, वेस्ट फ्लोइंग जो लॉन्गेस्ट रिवर है नर्मदा है ना, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एफिलियन, और एफिलियन कब आता है बताओ, आपका एविलियन कब आता है, 4th of July को, यस और नो, और पेरिहिलियन कब आता है, 3rd of Jan को। वेरी गुड, फिल इन द ब्लैंक्स इज द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय वेयरिंग अवे द लैंडस्केप डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर विंड एंड आइस, यस और नो, आप बताओ जो लैंडस्केप होता है ना वो किसके लिए, वाटर विंड आइस ये जो होता है ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये प्रोसेस जो है इसको क्या कहते हैं, बिल्कुल ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है गाइस, है ना, अच्छा है, सही जा रहे हो आप लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को देना है, और करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हो इरोजन, करेक्ट आंसर क्या होता है, इरोजन, कटाव, अपरदन बोल देते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेवल ऑफ एटमोसफेयर विच इज कम्पोज पार्सली ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन फ्रॉम वेयर रेशियो सॉरी रेडियो वेव आर, गाइस सिंपल सी बात करूं, रेडियो वेव है कम्युनिकेशन, ये सीधे लाइन लास्ट लाइन पढ़ो, कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल लेयर कौन सी, खत्म। इसकी लास्ट लाइन गाइस मैं बात करूं ये क्या हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, ये आप लोग को बताना है मुझे, हाँ जी, थैंक यू सुचित, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आयनोस्फीयर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आयनोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस हम लोग बात करें, विच गैस शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, यूवी रेस से गाइस हमको प्रोटेक्ट करने वाली जो लेयर है उसका नाम क्या है, आपसे आपको पूछा जा रहा है, देखो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, नो डाउट आयनोस्फीयर था, ठीक है ना, कम्युनिकेशन के लिए, बट यहाँ पर बता रहा है यूवी रेस से आपको कौन बचाता है, तो ये भी आप जानते हो, ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलती है ये भी आपको याद रखना है, ये आपको स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है, ये आपको कहां पर देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है। फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से गाइस कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यस और नो, इनमें से कौन सी गैस जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑक्सीजन जो है ना,
और गाइस मैं यहाँ पर बात करूँ अगर, तो यहाँ पे अगर मैं गाइस बात करूँ तो इसके हिसाब से है ना, अगर बेस्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग जाएंगे गाइस है ना, तो यहाँ पर हमें किधर जाना पड़ेगा, तो बेस्ट ऑप्शन की तरफ ऑक्सीजन। बिल्कुल विनोद, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समर सोल्स्टाइस जो है आपका नदन हेमिस्फीयर में कब पड़ता है? समर सोल्स्टाइस जो है नदन हेमिस्फीयर में कब पड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल, समर सोल्स्टाइस जो है वो नदन हेमिस्फीयर में कब पड़ता है गाइस, तो करेक्ट आंसर आ रहा है 24 जून, और इसी दिन इंटरनेशनल योगा डे भी होता है। और आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, इसी दिन होता है लॉन्गेस्ट डे। इसी दिन क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ एरिया इज अप्रोक्सीमेटली फिल्ड विथ वाटर? अप्रोक्सीमेटली फिल्ड विथ वाटर, हाँ। और शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है? 22nd दिसंबर। शॉर्टेस्ट डे अगर पूछ लिया जाएगा तो 22nd दिसंबर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी आपको बताना है हाँ? तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को बताने की जरूरत है ना, ये क्वेश्चन काफी सिंपल था। डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ वर्ड अगर गाइस हम लोग बात करें, जो अगर हम लोग बात करें डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ वर्ड, द मरीना ट्रेंच इज लोकेटेड इन दी, बताए डीपेस्ट जो ट्रेंच है गाइस, जो मरीना ट्रेंच है वो कहां पर लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देना है। तो आंसर आ जाएगा इसका पैसिफिक ओशियन, इसका आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। यस और नो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, ध्यान देंगे पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड वुल एंड बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड वुल एंड बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, व्हाट इज द राइट आंसर गाइस, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर बताएं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यार इसका ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। द सर्कुलर कैप ऑफ बाउल शेप्ड डिप्रेशन कंटेनिंग अ वॉल्केनिक वेंट इज कॉल्ड, हाँ सिंपल सा यार, जहां से अगर हम लोग बात करें जो वॉल्केनो होता है ना, जिसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर, बेसिकली क्या कहलाता है, क्रेटर। व्हाट आर सी वेव्स जनरेटेड बाय अंडर सी अर्थक्वेक कॉल्ड, व्हाट आर सी वेव्स जनरेटेड बाय अंडर सी अर्थक्वेक कॉल्ड, बताएं क्या होता है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर गाइस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनामी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, और अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द चैनल टनल इज द नेम ऑफ अंडर सी टनल कनेक्टिंग, चैनल टनल गाइस आपको बताना है, एक ऐसी टनल है गाइस जो अंडर सी है, यस और नो, और आपसे पूछा जा रहा है वो कौन से कंट्री में है, वो कौन से कंट्री में है, और इसके थ्रू गाइस मैं बात करूं तो यहां पर याद रखना यहां से एक ट्रेन भी पास होती है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं गाइस, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताना है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगा फ्रांस एंड इंग्लैंड, और गाइस याद करो इंग्लिश चैनल था और वहां पर एक स्ट्रेट थी, यस और नो, वहां पर एक स्ट्रेट थी जहां से यूरो स्टार नाम की ट्रेन जाती थी, यस और नो, यूरो स्टार नाम की ट्रेन जाती थी, और ये मैंने कब पढ़ाया था, जब मैंने आपको यूरोप पढ़ाया था, यस और नो, कुछ याद आ रहा है, कोई बता सकता है उस स्ट्रेट का नाम क्या है जो इंग्लिश चैनल के पास में मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको बताया था, यस और नो, ये सब चीजें यार मैंने कराई हुई हैं, और आप लोग को इस पर क्या करना है, फोकस करने की क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोग को इस पर फोकस करना चाहिए, आप लोग को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 43 में ए हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल दीपक कुमार, एकदम करेक्ट आंसर आपने दिया, डोवर स्ट्रेट उसका नाम था, डोवर स्ट्रेट उसका नाम था, बिल्कुल। फिल इन द ब्लैंक्स इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, इनमें से कौन सी गाइस एक लैंड लॉक कंट्री है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सी गाइस एक लैंड लॉक कंट्री है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी,
तो बिल्कुल क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। और याद रखना लोवेस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो भी यही की है, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यही की है। और मंगोलिया के बारे में यहाँ के डेजर्ट याद जरूर रखिएगा, और सबसे फेमस डेजर्ट कौन सा है, गोबी डेजर्ट, ठीक है ना। और इसका कुछ पोर्शन आपको चाइना में भी देखने को मिलता है, गोबी डेजर्ट सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस अगर मूव करें तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एग्जिबिट्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो इन एन इकोसिस्टम। एक पारिस्थितिकी तंत्र में यूनिडायरेक्शनल जो फ्लो होता है वो किसका होता है बताएं। टकला मकान इज इन चाइना, ठीक है ना, बिल्कुल। तो गाइस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस हम लोग मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट ISFR 2070 द स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड। देखो यहाँ पे एरिया बोला है, एरिया बोला है, ध्यान से, लार्जेस्ट एरिया कवर्ड अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप सभी लोगों को मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर क्या होगा, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। हाँ जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को मुझे बताना है। और बिल्कुल गाइस अगर बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में अगर गाइस मैं बात करूं तो देखो, वर्चुअली ट्रीलेस है ना, बट स्पार्स वेजिटेशन लाइक, देखो गाइस सीधी बात, देखो मोजस लाइकेन और स्मॉल शर्ब्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ वेजिटेशन, आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ वेजिटेशन, आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ वेजिटेशन। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यार इसका टुंड्रा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका टुंड्रा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और लाइकेन पार्क कहाँ पे बन रहा है, उत्तराखंड में, ये एग्जाम में क्वेश्चन इस बार आएगा ही आएगा। और वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड, मैंने ये आपको करा दिया और मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर दें। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है गाइस वो कहाँ पर लोकेटेड है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है गाइस वो कहाँ पर लोकेटेड है, सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का गाइस करेक्ट आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, देहरादून, वेरी गुड। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर लोकेटेड है। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोगों ने देखा है, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दें, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल कोलकाता इज द राइट आंसर, वेरी गुड गाइस। आज जो इंस्टीट्यूट करा रहा हूं ना यहां से क्वेश्चन आएगा, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में बनने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, भारत में बनने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, ये आपने बताना है मुझे, बिल्कुल कोलकाता को हम बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये 1936 में बना था, और याद रखना इसका ओल्ड नेम था हैलीज नेशनल पार्क, यस और नो। ये कौन से स्टेट में है, तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा याद रखना यही इंडिया का क्या है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी है, और सबसे ज्यादा टाइगर इस समय यहीं पर है। और हालांकि ओवरऑल अगर बात करूं टाइगर कौन से स्टेट में ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश में। कान्हा कहाँ पे मिलेगा गाइस, तो कान्हा आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, यस और नो। बांधवगढ़ भी कहाँ पे मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश। पन्ना भी कहाँ पर मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश, है ना। करेक्ट आंसर जिम कॉर्बेट, ये आपको कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में। हाँ, तो कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, मुझे नहीं लगता कि अभी तो बताया है, और अभी अगर भूल जाओगे तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्राइम कहेंगे, और क्राइम आपको करना नहीं है। करेक्ट आंसर आप जानते हो, मध्य प्रदेश, बिल्कुल। अगर हम लोग गाइस बात करें जो सबसे पहले अगर हम बात करें जो एनिमल को क्वारंटाइन करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया हुआ है, वो भी कोई और नहीं है, याद रखना। एनिमल को क्वारंटाइन भी कहाँ पे किया गया था, सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ये रहा गाइस, ये अभी हम लोगों ने देख ही लिया था मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, है ना। पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कहाँ का है,
पूरे वर्ल्ड में गाइस सबसे बड़ा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कहाँ का है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सुंदरबन। और सुंदरबन कहाँ पे मिलेगा आप जानते हो, वेस्ट बंगाल एंड इसके अलावा कहाँ पे, बांग्लादेश। रेड डेटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ, रेड डेटा जो बुक है गाइस वो किसके बारे में बताती है, रेड डेटा जो बुक है गाइस वो किसके बारे में बताती है। हाँ बिल्कुल, रेड डेटा बुक जो है गाइस वो किसके बारे में बताती है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना है। सारे बच्चों का सेशन को शेयर करना है, और अगर सेशन सही लगते हैं तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स, एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है ना, ठीक याद रखना, रेड डेटा बुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था, भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था, भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था, ये क्वेश्चन का आंसर आपने देना है, ठीक है। और अगर गाइस मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, देखो इसी के बेसिस पर अगर मैं बात करूं, क्या था जिसके थ्रू हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ये पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था 1956 में, और इसके तीनों मेंबर आपको याद होने चाहिए, सर एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, है ना। टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे गाइस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, Who was the temporary president of Constituent Assembly? संविधान सभा के गाइस टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पर गाइस हम लोग बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा इज द राइट आंसर, ठीक है। और अगर परमानेंट पूछता तो आंसर क्या हो जाता बताओ, अगर परमानेंट पूछता तो आंसर क्या होता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगर मैं बात करूं परमानेंट ये बन गए थे, ठीक है ना, परमानेंट बोल दो, या फिर अगर गाइस आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो भी आंसर क्या बताने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, गाइस जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जो समवर्ती सूची है, वो कहां से अडॉप्ट की है हम लोगों ने, बिल्कुल ये हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट की है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जो कॉन्करेंट लिस्ट है गाइस, ये हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट की, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज लेट डाउन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो हमारे देश में गाइस जो पार्लियामेंट्री सरकार है, जो संसदीय प्रणाली की सरकार है, है ना। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए बताओ, पार्लियामेंट के लिए भी, यस और नो, तो उसी के पास रियल पावर भी होती है। ये हम लोगों ने कहां से लिया था, यूके से। फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, हाँ तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस बताओ, यूएसए। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी पार्ट्स, यस और नो। अगर मैं गाइस बात करूं जो ओरिजिनल था उसमें कितने थे, 22, राइट नाउ कितने हैं, 25, राइट नाउ कितने हैं गाइस, 25, ठीक है। इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज, भारत एक गणतंत्र है क्यों, इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज, भारत एक गणतंत्र है क्यों, इंडिया रिपब्लिक क्यों है, भारत एक गणतंत्र क्यों है। तो करेक्ट आंसर अगर गाइस हम लोग बात करें तो आप लोग दे ही रहे हैं, क्योंकि जो हेड होगा है ना, जो हमारा हेड कौन है गाइस, प्रेसिडेंट है, ठीक है। और जो रामनाथ कोविंद जी का बेटा अगला प्रेसिडेंट हो, ऐसा जरूरी क्या नहीं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो हमारा हेड है। और अगर किसी भी कंट्री में जो हेड होता है वो क्या होता है गाइस बताओ, उसका एक टेन्यूर होता है, उसका एक कार्यकाल होता है, तो क्या होता है वहां पे रिपब्लिक गवर्नमेंट होती है ना, अगर दोबारा से चुना जाएगा तो आप याद रखना एक फिक्स्ड टेन्यूर होता है ना, जो हेड होता है उसका एक फिक्स्ड टेन्यूर होता है।
विच वर्ड वॉज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाई 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द डाले गए थे? हाँ बिल्कुल, हाँ तो अगर गाइस मैं बात करूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था 42nd, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं आप इसको, और ये कौन से आर्टिकल के थ्रू आया था 1976। और कल स्पेशल क्लास जब मैंने ली थी गाइस, तो मैंने आपको कल दो टॉपिक पढ़ाए थे, बताओ क्या क्या पढ़ाए थे। एक तो मैंने आपको अमेंडमेंट करा दिया था और इंपॉर्टेंट आर्टिकल करा दिया, क्योंकि गाइस आप लोग मुझसे पता नहीं कब से डिमांड कर रहे थे, है ना, तो जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा बैंडविड्थ था है, तो मैंने आपको वहां पे दोनों को एक चीजें करा दी और उसी से क्वेश्चन आएंगे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफ हिज फंडामेंटल राइट्स आर ब्रीच्ड, बताएं क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था बिल्कुल, और हाँ बिल्कुल बताएं क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसको ही क्या कहा था बताओ, हार्ट एंड सोल कहा है इस आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को, किसने? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी, भारतीय संविधान के अनुसार, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार क्या है? लीगल राइट है, पॉलिटिकल राइट है, बोथ है, नन ऑफ देम। What is the right answer, guys? तो इस समय guys हम लोग बात करें तो एक लीगल राइट है, और कौन से आर्टिकल में है ये लीगल राइट? 300A में, ठीक है? पहले हुआ करता था आर्टिकल 31 या फंडामेंटल, बट 44th वाला जो अमेंडमेंट हुआ उससे इसको हटा दिया गया। Which fundamental right according to Dr. B. R. Ambedkar is like the heart of constitution? क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया। तो याद रखना गाइस, ये कौन से में लिखा हुआ है अपन ने देखा था, ये वही कहता है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स का क्या होते हैं गाइस, का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हो, है ना, दोनों में से कहीं पर भी आप जा सकते हो। This fundamental right allows citizen to move to the court if they believe that any of their fundamental right have been violated by the state. क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? हाँ जी, हाँ previously it was fundamental right, बिल्कुल। गाइस हम लोग बात करें तो right to constitutional remedies, है ना, same question है, बस थोड़ा सा वर्डिंग में चेंजेस आ रहे हैं। हाँ पार्ट थ्री में गाइस कितने FR हैं आपसे पूछा जा रहा है, है ना, पार्ट थ्री में कितने FR हैं, कितने फंडामेंटल राइट है ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जी वेरी गुड गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, अर्लियर इट वॉज 7, ठीक है ना, पहले कितने हुआ करते थे, 7 हुआ करते थे, बिल्कुल आर्टिकल 31 में हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया फॉर इट्स सिटीजन टू कास्ट देयर वोट, वोट देने के लिए गाइस मिनिमम एज कितनी है, और ये किसके थ्रू हुआ है? 61st अमेंडमेंट जो हुआ था 1988 में, ठीक है, और ये 61st अमेंडमेंट के बारे में गाइस अगर मैं बात करूं तो ये एनफोर्स कब हुआ था, ये एनफोर्स हुआ था 1989 में, ये एनफोर्स हुआ था 1989 में, है ना, और इसमें क्या बोला गया था, जो वोटिंग केज है जो पहले 21 हुआ करती थी उसको रिड्यूस करके कितनी कर दी गई थी, इसको रिड्यूस करके 18 कर दी गई थी, राजीव गांधी ने करवाई थी, ठीक है। चलो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा की मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है कितनी हो सकती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो कितनी हो सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
बिल्कुल प्रियंका, 1989 में एनफोर्स हुआ बिल्कुल। चांदनी रॉय, लुसिफर, विनोद, सुची, प्रियंका, किंग, लोकेश, सूरज, रॉय, इंजीनियरिंग गुरु, श्री तेजा, कन्हैया, दीपक। करेक्ट आंसर हो जाएगा 250। बट गाइस राइट नाउ हम कितनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट नाउ हम इस्तेमाल कर रहे हैं 233 इलेक्टेड प्लस 12 नॉमिनेटेड, टोटल हो जाएगा 245, टोटल हो जाएगा 245। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो नॉमिनेटेड है इसमें पहले पर्सन कौन है जो स्पोर्ट कैटेगरी से आया है, तो याद रखना सचिन तेंदुलकर लगा के आना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हालांकि ये स्पोर्ट कोई कैटेगरी है नहीं, यस और नो, बट वहां पे स्पेसिफाई तो जारी किया गया है कौन कौन सी, सोशल सर्विसेज, साइंस, लिटरेचर और आर्ट। बट यार ये ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, बट स्पेसिफाई सिर्फ 4 है, ध्यान रखें। द फर्स्ट सेशन ऑफ फर्स्ट लोकसभा टुक प्लेस ऑन विच डेट? और गाइस हम बात करें फर्स्ट सेशन जो था फर्स्ट लोकसभा का कौन सी डेट पर कमेंस्ड हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, ये स्टार्ट तो हुए थे 1951 में, स्टार्ट जरूर हुए थे पर कंप्लीट कब हुए थे, 1952 में, है ना। तो 13th ऑफ मई 1952 याद रखेंगे। हु टुक प्लेस इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और इस समय हमारी 17 नंबर की लोकसभा चल रही है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में गाइस कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ जी, तो अगर हम लोग गाइस बात करें तो ऑल ऑफ दिस, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा and elected member of legislative assembly, all of this is the correct answer. Which part of Indian constitution contain article 368 that gives power to parliament to do constitutional amendments? Part 20, part 21, part 22 ya phir part 23? तो 71 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्ट 22, सॉरी पार्ट, हाँ पार्ट 20, ठीक है ना, पार्ट 20। द समन द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, गाइस जो जॉइंट सिटिंग होता है जो आर्टिकल 108 में दी है उसको कौन बुलाता है, उसको कौन बुलाता है और क्यों बुलाया जाता है? इफ डेडलॉक अराइव बिटवीन टू हाउसेस, यानी कि जब गाइस डेडलॉक हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों एक दूसरे के मत से सहमत नहीं होते, उस केस में बुलाया जाता है। पर अगर हम लोग बात करें गाइस कि अब तक जॉइंट सिटिंग 3 बार बुलाई जा चुकी है और ये बुलाता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड विद इन, द वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड विद इन, मतलब गाइस ये बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट का चुनाव कितनी दिन के अंदर अंदर हो जाना है। मतलब सपोज करो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, जो प्रेसिडेंट की जो, और गाइस हम लोग बात करें जो प्रेसिडेंट है ना, अगर उनके बारे में हम लोग गाइस यहाँ पे बात कर रहे हैं, वैकेंट है प्रेसिडेंट की सीट, वैकेंट है ना, तो कितने दिन के अंदर अंदर गाइस इलेक्शन हो जाएंगे? 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन होना कंपलसरी है। इन इंडिया हु कैन, और गाइस हम लोग बात करें जो ऑर्डिनेंस है ना, दोनों ही हाउस जब सेशन में ना हो तो कौन ला सकता है? और आपको मुझे ये भी बताना है कि जो ऑर्डिनेंस है ये कौन से आर्टिकल में, जो ऑर्डिनेंस है ये कौन से आर्टिकल में, ये भी आपको मुझे बताना है। अगर मैं बात करूं तो आपने ये भी बताना है कि जो ऑर्डिनेंस है ये कौन से आर्टिकल में है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप दे ही रहे हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और मुझे जो मैंने जो मांगा उसका आंसर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सूरज, नरेश, इंजीनियर्स, बिल्कुल याद रखना गाइस, ये दिया है आर्टिकल 123 में। और अगर आपसे गवर्नर का पूछ लिया जाए ऑर्डिनेंस, तो ये आपको देखने को मिलेगा 213 में। Who
हु अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पता है? तो गाइस नियुक्ति पूछा जा रहा है, तो इस काम में तो एक ही काम आएगा, आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है? हाँ जी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई हाई कोर्ट एज वेल, बिल्कुल। और एक बात और, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना गवर्नर। अगर आपसे पूछ लिया जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा गवर्नर। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट करता है ना? इन विच ईयर इंडियन स्टेट, गाइस आपसे पूछा जा रहा है, इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, भारत भारतीय राज्यों को किस वर्ष में भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था? कौन से ईयर में ऐसा हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस आपसे पूछा जा रहा है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य को पुनर्गठन जो आपका अधिनियम है वो कौन से ईयर में आया था? तो करेक्ट आंसर आप दे ही रहे हो 1956। ठीक है ना, 1956 जो है वो करेक्ट आंसर है। और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन बना था, जो आयोग बना था, उसके हेड कौन थे? फजल अली साहब। पंचायती राज सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेवल ऑफ गवर्नेंस, पंचायती राज जो सिस्टम है गाइस वो कितने टीयर में डिवाइडेड है? और गाइस आंसर हो जाएगा थ्री टीयर में डिवाइडेड है। और याद रखना एक क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड कमिटी का नाम क्या था, एक कमिटी का नाम ही आपको बता रहा हूं, वही एग्जाम में आती है, और उसका नाम है बलवंत राय मेहता कमिटी, बलवंत राय मेहता कमिटी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता कमिटी, बिल्कुल है ना। अगला, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखो इसको आप याद भी रह सकते हो, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा ना, बलवंत राय के कुत्ते, सुना है ऐसा कुछ? तो मैं हमेशा जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये बोल देता हूँ कि जो बलवंत राय के कुत्ते हैं वो कहाँ पे घूमते हैं, पंचायत में। ये सर सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। और टोटल कितने कुत्ते घूमते हैं? तीन। हाँ बिल्कुल। अब बात करते हैं गाइस, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ स्टेट हैविंग पॉपुलेशन इज नॉट एक्सिस्ट। देखो गाइस ये थ्री टीयर होता है, एक होता है आपका विलेज लेवल पे, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, विलेज पंचायत। यस सर। हाँ जी। इसके ऊपर क्या होता है, पंचायत समिति, ठीक है, और इसके ऊपर आपको देखने को मिलता है वो होता है जिले जिला परिषद, जिसको अपन लोग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल थ्री टीयर होता है, पर पंचायत समिति जो है यही हो जाएगा इंटरमीडिएट लेवल, इसी को बोलते हैं। ये उन्हीं स्टेट में फॉर्म की जाती है, उन्हीं स्टेट में फॉर्म की जाती है जहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा होती है, जहाँ की पॉपुलेशन मोर देन 20 लाख होती है। यस सर। ओके। When the offices of President and Vice President fall vacant simultaneously, who act as President? Guys, जब President और Vice President दोनों ही पोस्ट पे ना हो तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ऐसा हुआ था 1969 में। कौन बने थे बताओ? जस्टिस हिदायतुल्ला, ठीक है ना, जस्टिस हिदायतुल्ला, ठीक है ना। तब क्या हुआ था गाइस, हमने बात की जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है उनकी डेथ हो गई थी जो कि प्रेसिडेंट थे, उसके बाद वीवी गिरी जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे उनको बनाया गया था क्या,
एक्टिंग प्रेसिडेंट, बट उन्होंने भी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से कर दिया रिजाइन। ऐसी हालत में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस हिदायतुल्ला, इनको बना दिया गया था एक्टिंग प्रेसिडेंट। द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। बताओ, सुप्रीम कोर्ट जो है गाइस, वो उसके पास पावर है कि अगर प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो जो मामला है वो कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का कैसा ज्यूरिडिक्शन है, ओरिजिनल, बियॉन्ड, बोथ, नन ऑफ देम। हाँ, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्या हो गया भाई इंजीनियर गुरु, क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर रहे हो क्या आप, ऐसा कुछ? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। और याद रखना ये वाला जो पॉइंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 71 में, ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 71 में। और आर्टिकल 71 में मिलेगा आपको, देखो ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आएगा, क्यों आएगा पता है, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ भी मैटर होता है इलेक्शन का तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के ही पास जाएगा, ये हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता, ये अलग से मेंशन है। देखो ये जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन वाला आर्टिकल है ना, वहां पे मेंशन ना होकर के अलग से आर्टिकल 71 में ऐसा मेंशन करके रखा गया कि ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट के। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन आते हैं। सीईसी जो होता है वो कब तक ऑफिस पे बना रहता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा बोथ, ये रॉन्ग हो जाएगा गाइस। एक्चुअली क्या होता है, 6 और टिल 65, 6 और टिल 65, विच एवर कम्स अर्लियर, यस और नो, 6 और टिल 65, विच एवर कम्स अर्लियर, बात समझ पा रहे हो, या तो 6 साल तक काम कर ले या तो उसका एज हो जाए 65, मतलब सपोज करो आप 52 ईयर की एज में बनते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, है ना, तो आप कितने साल काम करोगे, 6 साल, तब आपकी एज होगी 58, ठीक है। अब आप सपोज करो आप 64 की एज में बनते हो, जैसे ही आपने एक साल काम किया आपकी एज होगी 65, तो आप रिटायर हो जाओगे, तो इन दोनों में से दो भी पहले आ जाए, जो भी पहले आ जाए, ठीक है ना, 6 और 65, विच एवर कम्स अर्लियर, ध्यान रखेंगे, है ना, आता है एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है। और पहले कौन थे, सुकुमार सेन, है ना, और अभी कौन है, मिस्टर सुनील अरोड़ा। गाइस जो अगर गाइस हम लोग बात करें, प्लानिंग कमीशन क्या बनाती थी, 5 ईयर प्लान्स, है ना, प्लानिंग कमीशन क्या बनाती थी, 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजना। उस पंचवर्षीय योजना को अप्रूव कौन करता था, उस पंचवर्षीय योजना को अप्रूव कौन करता था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आप लोग देने लगे हो, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, बताएं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन कहलाते हैं, हालांकि अब योजना आयोग ही नहीं रहा, आज की डेट में है क्या, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अब ये नहीं है, ये क्या हो चुका है, अबॉलिश्ड, इसकी जगह पे नीति आयोग आ चुका है, ठीक है ना। और याद रखना सारे लोग, नीति आयोग का भी हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होता है। नीति आयोग कब से बन गया था, 1 जनवरी 2015 से, ठीक है ना, 1 जनवरी 2015 से बन गया था। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों से लेता हूँ, ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से लेंगा, आप लोग ध्यान देंगे। देखो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपको कमेंट में आंसर देना, आप सरकारिया कमिटी, क्या पूछा मैंने, सरकारिया कमिटी जो है इसका रिलेशन किससे है, सरकारिया कमिटी का रिलेशन किससे, बताना जरा। हाँ, सरकारिया कमिटी का रिलेशन किससे, ये आपको बताना है, यस सर नो। अगर गाइस हम लोग बात करें, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट,
ना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है ना, ये किसका फीचर है? बिल्कुल, तो आंसर आने लगे हैं सरकारिया कमिटी का रिलेशन है किससे, सेंटर स्टेट, ध्यान रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाएगा भाई, है ना, सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है उससे, सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक, इसके अलावा गाइस में जो सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछा उसका आंसर बताएंगे। डबल कोइंसिडेंस जो है ये किसका फीचर है बताओ? डबल कोइंसिडेंस जो है ये फीचर होता है बार्टर सिस्टम का, मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली का। क्यों? सपोज करो दो बंदे हैं, एक बंदा ए है एक बंदा बी है, जो सामान ए के पास में है वो सामान बी के पास नहीं है, पर जो सामान ए को चाहिए, सपोज करो बी को क्या चाहिए, जो सामान ए के पास में, ठीक है, पर वो सामान, पर तो इन लोगों को एक्सचेंज ऑफ गुड्स करना था, है ना, तो एक बंदे के पास सब, बी के पास क्या है, बी के पास जो सामान है वो ए को चाहिए, ये आप समझो, ठीक है ना, पर ए के पास जो सामान है वो बी को नहीं चाहिए, तो ऐसे में क्या बार्टर सिस्टम वर्क करेगा क्या? ऐसे में बार्टर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता एक्सचेंज ऑफ गुड्स। क्यों? डबल कोइंसिडेंस चाहिए, मतलब जो ए को चाहिए वो बी के पास होना, जो बी के पास है वो ए को चाहिए। यस सर नो, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कहीं से मैं बात करूं, चले इसके बाद अगर गाइस हम लोग बात करते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गाइस हम लोग बात करूं, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये किसने कहा था याद रखना, जेबी से ने, कुछ मैं बातें बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, टाइम में लगेगा गाइस, मैं समझ चुका हूँ ये बात, है ना। अगर हम लोग बात करें गाइस, ये मुझे आंसर देना, लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व का रिलेशन किसके साथ में, लॉरेंज कर्व का रिलेशन किसके साथ में, लॉरेंज कर्व का रिलेशन किसके साथ में, तो आप जानते हो गाइस ये बात करता है इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ध्यान रखेंगे, है ना, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेगा। उसके बाद अगर गाइस मैं बात करूं, ठीक है ना, तो ये आज की पूरी हम लोग क्लास रखेंगे, और अब जो है गाइस हम लोग कब मिलेंगे बताओ? अब हम लोग मिलेंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर में कब बताओ? 7:30, ठीक है ना, हम लोग मिलेंगे, हम लोग कब मिलेंगे बताओ? हम लोग मिलेंगे गाइस 7:30 को मिलेंगे, और जहां पर मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ाऊंगा बताओ, यहाँ पर मैं जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं है ना, उनके निकनेम पढ़ाऊंगा, और आप जानते हो वहां से एक क्वेश्चन आता है, फटाफट से करेंगे, छोटा सा सेशन लेंगे मजेदार सा, 7:30 बिल्कुल गाइस, है ना। उसके बाद कल मॉर्निंग में भी मैं एक अच्छा सेशन लूंगा, और कोशिश कर रहा हूँ यार कि आप लोग को जितना हो सके मैं सारी चीजें आपको करा दूँ। थैंक यू सो मच गाइस। क्विज जो है हम लोग कब करेंगे? उस वाले सेशन में, 7:30 वाले सेशन में हम लोग क्विज करेंगे आज, ठीक है ना। हाँ यार, आज क्वेश्चन यही थे, आज क्वेश्चन यही थे, क्योंकि जो और जो क्वेश्चन आ रहे थे ना वो रिपीटेड थे, मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, तो मैंने ये सोचा यार कि उनको कराने से अच्छा है कि भाई उनको मैं ना कराऊं। क्यों? क्योंकि यार देखो आपके पास समय कम है, तो आप लोग अभी और चीजों को रिवाइज करो, वो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलो गाइस हम लोग निक नेम करेंगे आज, और अब हम लोग मिलते हैं गाइस 7:30 पे। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बींग हियर, हम लोग मिलते हैं गाइस 7:30 पे। वेलकम एवरी वन गाइस, ओके, श्रीतेजा, सुचि, ठीक है ना, राखी, प्रियंका, नरेश, है ना, सारे बच्चे, इंजीनियर्स गुरु, ठीक है, हाँ जी, किंग, नरेश, ओके। प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हो भाई, कल जब स्पेशल सेशन लूंगा मैं इकोनॉमिक्स का, तो मैं कल कोशिश करता हूँ कि कराऊँ, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ, जितना कर सकता हूँ यार मैं डेफिनेटली कराऊंगा। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, कराऊंगा भाई।